अरे दौलत शोहरत क्या लोगे तुम, महल न्याय क्या लोगे तुम, कनडियन कुमार मेरे देश छोड़कर जाने के लिए क्या लोगे तुम। दोस्तों ये मेरे शब्द नहीं है, ये हैं केआरके अंकल। जी हाँ दोस्तों, बोले तो हमारे केआरके चीचा जो कि एक ट्वीट्स किए हैं अक्षय कुमार को टारगेट किए, कनडियन कुमार मेरे देश से जाने के लिए क्या लोगे तुम। अरे भाई केआरके चीचा, जब मैं पैदा नहीं हुआ था ना तब से अक्षय पाजी को देख रहा हूँ मैं। बचपन में टीवी में देखा करता था, थोड़ा और बड़ा हुआ तो थिएटर में देखने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो मोबाइल फ़ोन पे भी देखने लगा उनकी सारी फिल्में, उनकी सारी अवार्ड शो, उनकी सारी एड्स वगैरह वगैरह। और आप बोलते हो कनेडियन कुमार हमारे देश से जाने के लिए क्या लोगे तुम। भाई केआरके चीचा खुद दुबई में बैठे हो, इंडिया आने से पहले 10 बार सोचते हो आप कि इंडिया जाना है कि नहीं जाना है, और अक्षय कुमार बाजी को आप ज्ञान दे रहे हो कि क्या लोगे तुम। पहले ये बताओ कि आप इंडिया आने के लिए क्या चाहिए आपको। इंडिया तो आओ, आप कभी इवेंट अटेंड करो, जिस तरीके से सेलिब्रिटी लोग घूमते हैं बिंदास उस तरीके से घूम के तो बताओ भाई केआरके चीचा। खैर जो भी है दोस्तों, अक्षय कुमार को कभी ये तारीफ करते हैं तो कभी ये पिलाई करते हैं, पता नहीं केआरके चीचा की माइंड में क्या चलता है। कभी भी कुछ भी ट्वीट्स कर देते हैं यार, मतलब कि कोई हाथ और कोई पैर नहीं होता इनके ट्वीट्स के, जैसे मूड आया जैसा माइंड आया कुछ भी लिख देते हैं यार। अरे अक्षय कुमार के फैंस हो या उनके चाहने वाले, उनको तो तकलीफ होगी ना भाई। अरे भाई कनेडियन कुमार बोल रहे हो आप केआरके चीचा, अरे बचपन से लोगों को इंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो, उनकी मेहनत आपको नहीं दिखती किस तरीके से वो मेहनत करते हैं। लोग बोलते हैं कि साल में 4-4, 5-5 फिल्में करते हैं, भाई किसी एक्टर में उतना दम है। मानता हूँ कि अभी पिछले साल उनकी 4-4 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उससे पीछे भी तो जाओ आप, 2019 2018-17 में उन्होंने 4-4 फिल्में अगर दी है तो यार 3 फिल्म हिट हुई है और 1 फिल्म फ्लॉप हुई है। यार 2019 में बात करें तो यार 2019 में उन्होंने 4 फिल्में दी है और चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छी बिजनेस की है, वो सब याद नहीं करोगे। बस एक साल में 4-5 फिल्म फ्लॉप हो गए तो बस अक्षय कुमार का करियर ख़त्म वगैरह वगैरह भोंकना चालू कर दोगे कुत्ते के जैसा। और जो वो हिट दे रहे हैं उसको आपको ध्यान में नहीं है कि वो हिट भी दे रहे हैं दोस्तों। यार जो भी हो दोस्तों, केआरके चीचा यार अपने आप में एक अपने ये हैं, क्या बोलते हैं यार, उनको ट्रोलिंग करने के लिए तो यार हम जैसे ऑडियंस ही काफ़ी है। अक्षय कुमार को फैंस को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, हम है केआरके के पिलाई करने के लिए रेडी दोस्तों। तो बस भाई इतना ही, आप लोगों की क्या राय है आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और केआरके चीचा का ट्विटर हैंडल पर जाओ और खूब पिलाई करो उनको ताकि वो सुधरे, आगे जाके ऐसे शब्द ना बोले वो। तो बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वो जो बेल आइकन का घंटा है उसको भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।